और अभी जो देखे पीछे ब्लास्ट हुआ, ये डिनामाइट का ब्लास्ट था। इनका स्पेशलिटी है कि ये ट्रैवल कर रहे हैं अपना कुत्ता का साथ, तो आप देख सक रहे हैं इनका बाइक में एक कैरियर बना हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, इज अभिजीत और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल रॉयल वॉयजर। ये है कंटिन्यूशन आगे वाला ब्लॉग का और अभी मैं खड़ा हूँ पैंगोंग से ले जाने वाला रोड में, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर हम लोग 2 मिनट के लिए रुक गए थे, अभी निकलने वाले हैं यहाँ से, मिलते हैं गोप्रो पे। तो मेरे साथ है लोका और लोका है इटली से आए हुए और इनका स्पेशलिटी है कि ये ट्रैवल कर रहे हैं अपना कुत्ता का साथ, तो आप देख सक रहे हैं इनका बाइक में एक कैरियर बना हुआ है एंड इनका कुत्ता का नाम है पेपर। सो पेपर भी मजा ले रहा है राइड का। ओके, सो द प्लान, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो व्हेन इट्स गोना हैपन बिकॉज़ एनीवे नेक्स्ट टाइम आई कम टू इंडिया माइट बी 1 ईयर माइट बी फ्यू इयर्स हु नोस। But the plan is going to Rajasthan and spend 1 month with the tribe of camels, you know, because you cannot just buy a camel like you buy a bike. Yeah. What I meant is if you buy a bike, you put the keys in, you go. Yeah. Camel, you need to teach the camel commands, right? Stand up, go, slow down. You know what I'm saying? So I'm going to spend a month with the tribe. And then once I know how to control the camel, I think I will buy. I was planning to ride the camel, but maybe if I buy a cart is better. You know, like I sit in the back like this. And then my dog is with me. So I need to get the camel and the dog to be friends too. But anyway, the plan is riding the camel around India, sleeping next to the camel, you know, like put my tent or whatever. Because now I sleep on the street. Usually when I travel around, I sleep on the street, no? And the dog is protecting me a lot. Like when I fall asleep, the dog is guarding my bags, my bike. If somebody comes close, she barks. Mm-hmm. Going around on a camel, you know, I've never seen anybody doing that. Anyway, what I care about is the experience, you know. It must be so cool, man, to go around on a camel, and it would be very slow, obviously, you know. Like maybe 40, 50 kilometers per day. Pepper is a good bike rider. She's very sweet in there. Look, she sleeps comfortable, not really bothering me. It's a nice life, eh? तो काफी अच्छा लगा इन दोनों से मिलके, लुका और पेपर से। So wish you all the best and have a safe journey. तो ये मेरे को काफी अच्छा लगा कि अपना डॉग को लेके ये ऑल इंडिया सफर कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले ये एक्चुअली डॉग जो है वो हिमाचल से उसने लिया था एक गेस्ट हाउस से, और वहाँ से वो अपना जर्नी शुरू किया कन्याकुमारी तक का, और फिर कन्याकुमारी से दोबारा लद्दाख, और अभी वो लद्दाख कंप्लीट करके दोबारा जाने वाला है हिमाचल। सो सही है, राइड में आके ऐसे ऐसे लोगों से मिल के ना दिल खुश हो जाता है। और वहाँ देखिए पेपर खेल रहा है, उसको अपना दोस्त मिल गया है। और ये पूरा पहाड़ और चट्टान का बीच में एक छोटा सा मॉनेस्ट्री देखिए, और वहाँ पर गोल्डन कलर का एक छोटा सा बुद्ध का मूर्ति बना हुआ, क्या प्यारा लग रहा है।
मतलब लद्दाख है ना कि हर कोने कोने में आपको कुछ ना कुछ सुंदर चीज देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ से भी वो नजर आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। कल हम लोग जब जा रहे थे, शाम हो गया था, इतना अच्छा से समझ में नहीं आ रहा था, मैंने गौर भी नहीं किया था। मैं वो ऊपर वाला मॉनेस्ट्री गौर किया था, मंदिर गौर किया था, लेकिन ये गौर नहीं किया था। और आज का वेदर थोड़ा सा खराब है, हल्का हल्का कहीं कहीं बारिश हो रहा है। जल्दी जल्दी हम लोग चांगला पास क्रॉस कर जाए, क्योंकि चांगला पास काफ़ी हाई अल्टीट्यूड में है और नीचे अगर बारिश हो जाए ना तो, अगर चांगला में स्नोफॉल हो जाता है तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगा हम लोग को राइड करने में। खैर जब निकल पड़े हैं राह में, मंजिल तक तो पहुंचना है कोई भी कीमत में। कभी कभी क्या हो रहा है कि बारिश हो रहा है और कभी कभी धूप निकल जा रहा है। अभी जैसे धूप निकल गया है, फिर आगे चलेंगे तो बारिश शुरू हो जाएगा। ये भाई को देखिए, ये तो साइकिल लेके एकदम मस्त चल रहा है। हाय, यहाँ का रोड तो पूरा टूटा हुआ है। क्या हो अभिषेक? अभी यहाँ से ले है 95 किलोमीटर। अभी ये सब रोड तो कुछ नहीं है, कल से जो हम लोग का जर्नी शुरू होगा वापस जाने का, मतलब हम लोग टुवर्ड्स मनाली होके जाने वाले हैं, तो वो रास्ता तो काफ़ी ख़राब रास्ता है। तो लद्दाख राइड का असल मज़ा आने वाला है कल से। कल का राइड से लद्दाख वाला एकदम थ्रिलिंग, लद्दाख वाला एडवेंचर आने वाला है। और ये सामने का खूबसूरत व्यू थोड़ा देखिए, ऊपर से नदी आ रहा है और चारों तरफ घोड़ा लोग हैं, घास खा रहा है, मतलब जन्नत लग रहा है एकदम। क्या खूब, क्या खूब, माशाल्लाह। क्या हुआ? ओ, हमने मैंने सोचा गिर गया है। बताओ, इस तरीके से नीचे बैठा हुआ लग रहा है कि ऊपर से गिर गया, मैं तो घबरा गया। मतलब ये फोटो खींच रहा है। चलो सही है, स्टे अलाइव थिंक एंड ड्राइव, सही है। ये ऊपर जाने वाला पूरा रास्ता ना ऐसे ऑफ रोड है, रोड पूरा टूट चुका है। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं। और ये देखिए यार्क, और आगे ऊपर तो और काफी सारा यार्क है। ये देखिए यहाँ भी ऊपर यार्क, और उधर तो पूरा भरा हुआ यार्क, कम से कम 50 यार्क तो जरूर होगा वहां पर। देखो एकदम सामने यार्क, देखिए कितना यार्क, देखिए
एक तो पूरा चढ़ाई रास्ता, ऊपर से पूरा भयानक टूटा फूटा। तो कल का रोड से भी खराब रोड है ये। पता नहीं कितना लंबा रोड ऐसे टूटा फूटा मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कोई बड़ी बात है नहीं, घबराने का कुछ नहीं है। मतलब देखिए खतरा कुछ है नहीं, मतलब इतना थोड़ा सा तो एक एडवेंचर राइड में आए हैं, इतना थोड़ा सा तो रहने वाला है ही। मतलब ऐसा नहीं है कि खतरनाक है, कुछ नहीं है सर। जुले तब देख लीजिए, ये पूरा जो पहाड़ है ना, ये एक्चुअली चंगला पास है और ये पूरा पहाड़ का रोड ही ऐसा ही है। आज हो रहा है लद्दाख का असली एडवेंचर। मतलब खारदुंगला पास वाला रास्ता तो कोई टफ रोड है नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास रोड बना हुआ है, आराम से ऊपर चढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज का ये रोड है ना, मजा आ जा रहा है। मतलब लद्दाख राइड में तो यही चाहिए, थोड़ा एडवेंचर वाला रोड नहीं हो तो फिर राइड का क्या मजा। वो देख लो, वो नीचे वाला रोड से हम लोग ऊपर आए और पूरा रोड इसी तरह का है। हम लोग 17,690 फीट ऊपर में है और ये जो देख रहे हैं ना, ये सब ब्लैक आइस है। कसम से आज का रोड एकदम मजा आ गया। इतना दिन तो एकदम हाईवे वाला रोड में हम लोग बाइक चला रहे थे, लद्दाख का कोई एडवेंचर वाला मजा नहीं आ रहा था। लेकिन आज भरपूर लद्दाख का एडवेंचर मिल गया हम लोग को। और अभी तो काफी हाई ऑल्टीट्यूड में है हम लोग, चारों तरफ बर्फ जमा हुआ है। वो सामने का पहाड़ क्या लग रहा है देखिए, पूरा बर्फीली पहाड़। और लगता है कि हम लोग चंगला पास पहुंच गए। ये देख लीजिए मेरा सामने, तो सच में एकदम लग रहा है प्लैटिनम है। जब सन सूरज का किरण इसमें गिर रहा ना, क्या गजब का लग रहा है देखिए। ये है अल्टीमेट मजा। और ये सामने वाला ट्रक जो है ना,
इसका डीजल का महकना एकदम मेरे को, मेरा सर दर्द कर रहा है इसके लिए। एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम है और यहाँ पर इंडियन आर्मी का कोई फ्लैग होस्टिंग हो रहा है। सो हम लोग पहुँच गए चंगला पास। तो अभी हम लोग है चंगला पास में और चंगला पास है 17,688 फीट हाइट में है, इसका ऑल्टीट्यूड है 17,688 फीट और काफ़ी ठंड है यहाँ पर। और ये मेरा पीछे है चंगला बाबा का मंदिर और ये है चंगला बाबा का मंदिर। अभी मंदिर के अंदर हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि बूट वगैरह जूता वगैरह सब खोलना पड़ेगा, तो बाहर से ही चंगला बाबा को मैं प्रणाम कर लेता हूँ और चलते हैं वहाँ पर, थोड़ा हॉट चॉकलेट या कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं। ओह, यहाँ पर चंगला कैफेटेरिया में हम लोग थोड़ा हॉट चॉकलेट पी लिया, दो दो ग्लास हॉट चॉकलेट पिया हम लोग और यहाँ से निकलते हैं। थोड़ा देर पहले यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था, इस गाड़ी को थोड़ा देख लीजिए, देखिए मतलब ये ऊपर से पलटी खाया है और काफी दिन हो गया यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो भैया ये सब रोड में अगर आराम से आप नहीं चलोगे ना तो यही हाल होने वाला है। देख लीजिए मतलब खतरनाक टाइप का रोड है लेकिन मजा आ रहा है। 20-25 किलोमीटर का रास्ता भी इसी तरह का मिलेगा हम लोग को, उसके बाद ठीक ठाक रोड मिल जाएगा। यहाँ से ले है 75 किलोमीटर, हालांकि अभी भी हम लोग का मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं है, कोई मैप नहीं, कोई जीपीएस नहीं। हल्का हल्का स्नोफॉल शुरू हो गया, मतलब आज का राइड काफी चैलेंजिंग राइड हो जा रहा है लेकिन ठीक है, हम लोग तो आए थे ये एडवेंचर करने के लिए। अब थोड़ी ना हाईवे में बाइक चलाना आए थे कि आराम से हाईवे में चलना है। और ये पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया है, दोबारा एक वाटर क्रॉसिंग। ये सब ग्लेशियर वाला पानी है, ग्लेशियर ऊपर से देखिए, ऊपर ग्लेशियर है, वही गलगल के नीचे आ रहा है और छोटा छोटा वाटर क्रॉसिंग बन गया है। और ये जो मेरा इंटरकॉम का जो क्लिप खुल गया ना वो लटक रहा है, वो हेलमेट में काट 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 कंटिन्यूस आवाज हो रहा है, काफी इरिटेटिंग लग रहा है। और वो रोड पूरा देख सक रहे हैं कि भयानक लैंडस्लाइड वाला रोड है, कहीं कहीं लैंडस्लाइड हुआ भी है, वो जेसीबी वगैरह लैंडस्लाइड को क्लियर कर रहा है। तो अभी वही रोड से जा रहा है, लंबा रोड है, मतलब काफी लंबा रोड है, उधर से जाके फिर नीचे। तो ठीक है चलते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। क्या हो गया भैया, लैंडस्लाइड? ओह, कितना देर लगेगा क्लियर होने में? 10 मिनट लगेगा, ब्लास्टिंग कर रहे हैं ना। हाँ ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग। तो वो रोड में लैंडस्लाइड हो गया। मेरे पीछे का जो रोड है ना पूरा रोड धस के नीचे चला गया और बीआरओ वाला लोग वहाँ पर काम चल रहा है, वहाँ पर प्लास्टिंग करके उस रोड बनाने का कोशिश किया जा रहा है।
आप लोग देख सक रहे हैं वहाँ पर, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जूम करके कि जेसीबी वगैरह है और वहाँ पर पत्थर को ब्लास्ट भी किया जा रहा है। और अभी जो देखें पीछे ब्लास्ट हुआ, ये डिनामाइट का ब्लास्ट था, और ब्लास्ट करके वहाँ का जो पत्थर है उसको ब्लास्ट करके हटा दिया गया और दोबारा वहाँ से जेसीबी से काट के उसको रोड बना दिया जाएगा। मतलब कमाल का काम करता है बीआरओ। ये है इंडियन आर्मी, ये है बीआरओ। देखिए ये जगह में लैंडस्लाइड हुआ था और यहीं पर ये जो पत्थर है ना, इसी को ब्लास्टिंग करके अभी इन लोगों ने निकाला है। ये किसी तरह से रोड को क्लियर कर दिया है। चलो सो फाइनली हम लोग ले पहुंच गए और आज का जर्नी, मतलब पूरा लद्दाख टूर का सबसे टफ जर्नी था, सबसे टफ रोड हम लोग अभी तक सबसे टफ रोड हम लोग क्रॉस किया। मतलब जो चांगला क्रॉस है ना, रोड है ही नहीं, पूरा ऑफ रोड। और ऊपर से क्या हुआ, वहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं था, मोबाइल में जीपीएस काम नहीं कर रहा था और मेरा जो इंटरकॉम भी टूट गया, और मेरा जो ये इंटरकॉम का जो क्लिप है ना, वो क्लिप टूट गया और इंटरकॉम भी काम नहीं कर रहा। रास्ते में 2 घंटा हम लोग को वेट करना पड़ा, एक रास्ता पूरा टूट गया था आर्मी वालों ने, दो वो आप लोग देखें वो वीडियो में है, 2-3 घंटा में नया रास्ता बना के हम लोग को छोड़ा। मतलब डायनामाइट से ब्लास्ट करके नया रास्ता बना दिया, मतलब हैट्स ऑफ टू बीआरओ। और ये क्लिप टूट गया, हम लोग यूज कर रहे हैं विनेट फोन का V6, काफी अच्छा इंटरकॉम है। और लेकिन इसका जो क्लिप है ना, ये क्लिप प्लास्टिक का होता है। थैंक्स टू अभिषेक, दिल्ली में अभिषेक ने बोला था कि दादा ये टूट जाता है, आप मेटल वाला ले लो। तो पहले तो होटल में आके इसे मैं मेटल रिप्लेस करके इसको फिट किया यहाँ पर, क्योंकि आगे का जर्नी में इंटरकॉम काफी जरूरत पड़ता है। एक्चुअली इंटरकॉम जरूरत पड़ता है बात करने के लिए, हम लोग लुकिंग ग्लास फॉलो करते हैं और राइट में ध्यान रखते हैं, पीछे वाला बंदा रुक गया या चल रहा है उसको जब भी दिखाई नहीं देता है मैं रुक जाता हूँ, या दादा हो या मैं हूँ। लुकिंग ग्लास में जिसको दिखाई नहीं देता है पीछे का बंदा, हम लोग रुक जाते हैं। एक्चुअली ग्रुप राइड का यही नियम होता है कि इंटरकॉम रहे चाहे ना रहे, आप लुकिंग ग्लास को फॉलो कीजिए। आपका लुकिंग ग्लास में अगर आपका जो पार्टनर है वो आपका लुकिंग ग्लास से मतलब आउट ऑफ विजन हो जाता है, तो इधर यू स्लो डाउन और स्टॉप डाउन, ये ध्यान में रखना है। राइट सिर्फ खुद के लिए नहीं, जो पीछे है जो आगे है उसको भी ध्यान में रखना है। साथ में चलो तो बहुत दूर जा सकते हैं, और साथ में नहीं चलो तो एक कदम भी चलना मुश्किल है इस रास्ते में। सही बात है, और हमेशा राइड कीजिए, राइड सेफ राइड कीजिए राइडिंग गियर का साथ, और हमेशा अच्छा हेलमेट पहना कीजिए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, कल हम लोग सुबह सुबह लेह से स्टार्ट करने वाले हैं मनाली के लिए। जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरा वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।